अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्ज़ लाइफस्टाइल से। आज मैं आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा। आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो जी, आज मैं जा रही हूँ जेरार्ड स्ट्रीट। जेरार्ड स्ट्रीट जो है ये बहुत मशहूर स्ट्रीट है और बहुत बड़ी स्ट्रीट है। ये यहाँ पर सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वग़ैरह हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसिस के आपको अगर चाहिए वो उसकी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर बर्तन वग़ैरह यानी जो आपको पाकिस्तान का कुछ चाहिए वो आपको जेरार्ड स्ट्रीट से मिल जाएगा। और सबसे इधर जो जेरार्ड स्ट्रीट फेमस है वो है अंडे वाला बर्गर, जो पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं। वो अंडे वाला बर्गर हमें कनाडा में भी मिलता है, तो आपको वो भी दिखाएंगे कि कितना मज़े का वो था। मैंने और हस्बैंड ने एक बर्गर लिया, हमने कहा पहले ट्राई करते हैं, हाफ हाफ खाते हैं, देखते हैं कैसा लगा। तो बहुत मज़े का था, तो वो भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये एक शॉप में गई हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है ड्रेसेस की, और ये ज़्यादातर इंडिया से आए हुए ड्रेसेस हैं। पाकिस्तान वाले भी इसमें थे लेकिन इंडिया वाले इसमें ज़्यादा थे। फिर यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत सी चूड़ियाँ और प्यारे प्यारे से झुमके भी थे। और ये हैं वो ड्रेसेस, इनकी प्राइस उन्होंने तकरीबन मुझे बताई थी 5-5, 6-6 हंड्रेड के रेंज में थे। हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे थे लेकिन बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ये बच्चियों के लिए बड़े अच्छे लगे हैं। अगर कोई शादी वगैरह हो तो हम लोग पाकिस्तान से मंगवाते हैं, तो ये देखे हमें यहाँ भी मिल जाते हैं। यहाँ पे सजाद अभी वास्केट वगैरह देख रहे हैं पहन के कि कैसी लग रही है, तो मैंने कहा नहीं ये तो बड़ी प्यारी है। तो सही वही पाकिस्तान वाला सारा, अगर कोई वेडिंग वगैरह हो तो उस पर इस तरह मर्द पहने तो कितनी अच्छी लगती हैं ये जैकेट्स वगैरह। तो हस्बैंड को बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा चलें जब कोई हमारी शादी वगैरह किसी की यहाँ आई तो आप यहाँ से ज़रूर लीजिएगा। ये भी तकरीबन 600 का ड्रेस था लेकिन काफ़ी वज़नी था, लेकिन है बहुत खूबसूरत था, ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये जो साथ वाला था ये भी 600 की रेंज में था, साथ इसके पीछे रेड कलर था, वो भी बहुत अच्छा था, यानी आप आराम से वेडिंग में ख़ुद भी पहन सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत था ये वाला सारा ना। 14 अगस्त को तो ये जेरार्ड स्ट्रीट पे बहुत रौनक होती है। मैंने इस 14 अगस्त पे जाना था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, मैं जॉब पे बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं गई, वरना मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करना था जेरार्ड स्ट्रीट का 14 अगस्त किस तरह लोग सेलिब्रेशन करते हैं। बहुत देर तक हल्ला गुल्ला और इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे हम इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस पर जब हम जाया करते हैं बिल्कुल वैसा ही। यहाँ पर ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये भी $650 का था लेकिन ये भी बड़ा प्यारा था। ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा इस पर काम हुआ है और कलर भी बड़ा प्यारा है। कितना केजी वेट होगा? 8 से 10 केजी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। $300 में, $450 में है ये सारे। यहाँ पे जो दिक्चियाँ हैं ये $37 में है। तब बात होते थे का ना, मैं यू लास्ट थे का ना। यहाँ पे अफगान कपड़ों की शॉप्स भी है। ये है संगम सिल्क स्टोर, जेरार्ड स्ट्रीट ईस्ट। सबसे ये बेस्ट शॉप है यहाँ पे। ये देखें कितने प्यारी इसकी ये प्राइसेस हैं, बहुत अच्छे इनके पास ड्रेसेस हैं। ये है इनकी प्राइसेस, ये 895 में है ये वाला, और ये 950 में है।
ये वाली बहुत प्यारी है। इसकी प्राइसेस वगैरह क्या है? ये बड़ा खूबसूरत काम है इस पर। दीदी ये ग्रीन और ये 1250 की रेंज में, ये 1195 में, ये वाला। इसकी भी आप प्राइस देख लें, मैं अभी शॉप जो है ना आपको दिखा देती हूँ। और ये वाले बहुत खूबसूरत है, ये वेलवेट पे काम हुआ है, ये 1250 में, ये वाला। इसका आप काम चेक करें। अच्छा कल आया है, बहुत प्यारा है। सारे कपड़े इंडिया तो आते हैं? अच्छा बहुत प्यारे हैं, दिल्ली बम्बे वगैरह तो आते हैं ना? सही है। ये वाला 995 में है, 12। इनके जितने खूबसूरत खूबसूरत सूट हैं वो तकरीबन 1000 की रेंज में है ना। आगे आप देख लो सारे प्यारे प्यारे। सारी इस्लामिक बुक्स वगैरह हैं। ये रक्षा पता नहीं किन वक्तों का इधर लेकर आए हैं, बेचारे का हाल क्या हो गया। अच्छा 1992 में भी ये था, ये काफी पुराना है। यहाँ पे लाहौर टिक्का हाउस ये रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा इनके खाने वाने, मैंने काफ़ी इनकी तारीफ सुनी। देसी बर्गर ये है सामने ना, ये अभी चलते हैं यहाँ पे। साइकिल भी खड़ा है, लाहौर जा रहा है ये सीधा। ये चिंग चिंग के जो बैक पे होता है वो वाला ना, तो ये पूरी स्ट्रीट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये है हमारा अंडे वाला बर्गर जो हम कनाडा में खा रहे हैं। ये पाकिस्तान में कहाँ मिलता था? G11। ये है भी मज़े का, चलिए खाएं माशाल्लाह से। बर्गर के तो 10 out of 10 है। अभी आप समोसा चेक करें ये कैसा है। कतवाल?
समोसा तो खास नहीं था, अभी फालूदा, रबड़ी फालूदा ये ट्राई करते हैं। ये तो मजे का होगा क्योंकि रबड़ी है ना। ठंडी ठंडी कुल्फी साथ। ये है मजे की सुन। ये वाला जो खोया है ना, ये वाला, ये बहुत मजे का है, बहुत मजे की रबड़ी है ये वाली। ये थी सारी जराड़ स्ट्रीट। यहाँ पे 14 अगस्त को बहुत रौनक होती है, लेकिन मैं सकी, मैं बिज़ी थी इस 14 अगस्त को, वरना मैंने यहाँ पे आना था ज़रूर ना। मैंने ये सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस मैं बिज़ी थी। ये भी यहाँ पे है, इंडियन रेस्टोरेंट है ये वाला भी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आज की ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।